जी क्लास सेकंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो लेक्चर है वो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में ही है। इससे पहले आपने इसको डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा स्टडी किया था। डेरिवेटिव्स की आपने इनवर्स की फॉर्म देखी थी। तो इस इनवर्स की फॉर्म को आप जब हल करते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। आप सबसे पहले इसमें एक चीज़ कॉमन लीजिएगा कि आपके पास अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए है और हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो इसका मतलब है ये फार्मूले के मुताबिक वन मंथली एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर होगा, और डेरिवेटिव जब भी आप लेंगे वो एक्स ओवर ए का होगा जो कि एंगल है जो थीटा है। थीटा के डेरिवेटिव मस्ट है, यहाँ डेरिवेटिव आप जब लेते हैं तो थीटा का डेरिवेटिव आप हमेशा यहाँ लेंगे, जबकि बेसिक फार्मूला इसका डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स वन ओवर वन मंथली एक्स स्केयर नेगेटिव, ये आपके पास कॉस का फार्मूला है। अब जब आप यहाँ इसको प्रोसीड करते हैं तो ए स्केयर एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर एक्स ओवर ए का मतलब है आप यहाँ इस वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो ए के हिसाब से आपके पास वन हो जाता है, जबकि वन ओवर ए कॉन्स्टेंट है। तो आपके पास इधर आंसर होगा नेगेटिव ए ओवर ए स्केयर वन थी एक्स स्केयर ओवर वन ओवर ए नेगेटिव। अब ये जो ए है वो आप इस फॉर्म में देख सकते हैं कि अगर यहाँ ए आंसर आता है ए स्केयर का, जब स्केयर रूट लेते हैं तो ए है, तो ये मल्टीपल होके यहाँ आपके पास ए हो जाता है। ए से क्या हो जाता है कैंसल। तो ये स्टेप जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इसका रिकॉर्ड आंसर होगा। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए विच इज 2.5 एक्सरसाइज, और इस 2.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है चल रहा है, जिसमें आप लास्ट टाइम जो आपने इनवर्सिस को पढ़ा था इनकी फॉर्म्स आप चेक करें। इसी तरह यहाँ आप देखिएगा डेरिवेटिव लेंगे, लेट y इज इक्वल टू आपके पास 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x, आप यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब आप साइन इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy वाई बाई डी एक्स होगा, साइन इनवर्स 1 ओवर x होगा 1 मंथली ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर, और डेरिवेटिव किस चीज का ए बाई एक्स का। यहां एक्स स्केयर ए स्केयर जो बटा में आपके पास एक्स आ रहा है वन ओवर ए, और डेरिवेटिव ए ओवर एक्स आपके पास क्वेश्चन रूल फॉलो करेगा माइनस ए इंटू वन ओवर एक्स स्केयर। देखिएगा क्वेश्चन रूल में नीचे वाली रकम आ जाएगी, ए का डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, जब भी आप एक्स का ए के हिसाब से लेंगे जीरो हो जाएगा, और जब आप एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा वन। तो एक्स ए एक्स स्केयर ए स्केयर आपके पास माइनस ए ओवर एक्स स्केयर, एक एक्स एक्स से कैंसिल ए से कैंसिल, इसका आंसर हो जाए। तो ये जो फॉर्म होगी ये आपके पास डेरिवेटिव होगा वन ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। सेम इसी तरह यहां क्वेश्चन होगा लेट साइन इनवर्स वन मंथली एक्स स्क्वायर वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, आप x के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लें तो dy वाई बाई डी एक्स, ये थीटा है, इस थीटा का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा जो कि इसका मल्टीप्लाई होगा। साइन का डेरिवेटिव इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव फिर लेंगे आप 1 मंथली एक्स स्क्वायर। तो ये 1 मंथली एक्स स्क्वायर
वन मनफी एक्स स्क्वायर मनफी वन बाई टू पावर आप शुरू में लाएंगे और डेरिवेटिव लेंगे, बगैर पावर के डेरिवेटिव होगा जो कि वन मंथ की एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स होगा। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहां, ये थीटा है, इस थीटा का को एक्स के तौर पे आप लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है वन माइनस एक्स स्क्वायर जो कि साइन इनवर्स का फार्मूला है, फिर आप लेंगे थीटे का फार्मूला एंगल बाय वन बाई टू, पावर हटाएंगे पावर रूल लगेगा बगैर पावर के डेरिवेटिव होगा वन वन मंथी ये एक्स स्क्वायर वन बाई टू वन वन थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स टू से टू कैंसिल वन एक्स स्क्वायर वन वन थ्री एक्स स्क्वायर दो से दो कैंसिल एक्स हो जाएगा, यहां वन ओवर एक्स एक्स से एक्स कैंसिल, यहां नेगेटिव आपके पास फॉर्म हो जाएगी पॉजिटिव में वन ओवर वन मंथली एक्स स्क्वायर, ये इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म्स पढ़ेंगे और जब भी डेरिवेटिव आप लेते हैं इनवर्स का तो इस हालत में इसके फार्मूलाज इंप्लीमेंट। अब यहां साइन कॉस के अलावा आपके पास एक फॉर्म आ जाती है जो कि टेन कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए है, आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कॉट इनवर्स है, ये आपके पास डेरिवेटिव में इक्वल होगा नेगेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव आप जिस चीज का लेंगे वो एक्स ओवर ए होगा। इट मीन ये दो वैल्यू जो आपके पास आ रही हैं ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और वन ओवर ए, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन ओवर ए नेगेटिव ए से ए कैंसिल होगा ए ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये जो फॉर्म है इसको हम डेरिवेटिव्स की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। ये जो फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये आपके पास इनवर्सिस डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला था, जितने भी इनवर्सिस हैं इनवर्स डेरिवेटिव जब भी आप फॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए थीटा मेंशन है कि आप थीटे का डेरिवेटिव जब दोबारा से लेंगे वो आपके पास मल्टीपल होगा दिए हुए फंक्शन से। अब अगर वो अल्जेब्रिक है तो उसकी पावर है तो पावर रूल लगेगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थीटे के साथ जो वैल्यू है वही मल्टीपल होगी। तो ये इसके बेसिक कुछ रूल थे, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा फिर इसी चीज़ को, आप ज़रा डिस्कस करेंगे साथ इसको, कुछ असाइनमेंट्स आपकी जो है वो पहुंच चुकी हैं, एक दो पिछली असाइनमेंट्स भी रहती हैं बच्चों की तो आप वो भी सबमिट करवाएं। तो आपके पास जो है ये सेकंड हाफ चैप्टर हो चुका है, तो ये सेकंड हाफ जो है 2.5 तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.5 डेरिवेटिव्स सेकंड थर्ड में से आपकी सिलेक्शन सेकंड ईयर की बहुत ज़्यादा होती है मैथमेटिक्स में पेपर में, तो इसकी जो पेपर सेटिंग है उसके हिसाब से आप सेकंड थर्ड को बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं। 1, 5, 7 होता है और 2, 2 and 3 होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करूँगा, आप इसे अच्छी तरह कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।